everyone. Welcome to Originative Science. Today we are going to discuss NCERT class 7th chapter number 2, Nutrition in Animals, Exercise with Solution. So in my this video I am going to discuss only activity based question like your fill in the blanks, MCQs, true and false, match the following. Okay, and the question answers I will discuss in my next video. So let's start with the first question, that is fill in the blanks. So the first part is the main steps of nutrition in humans are. आपको मैंने बताया था कि human beings के nutrition के 5 main steps होते हैं. That is your ingestion, digestion, absorption, assimilation and excretion. B part है, the largest gland in the human body is. Human body का largest gland क्या होता है आपका? लीवर होता है. The stomach releases hydrochloric acid and dash juices which act on food. आपको मैंने बताया था जो हमारा स्टमक है उसके 3 secretions होते हैं like आपका hydrochloric acid, mucus and digestive juices. So here जो आपका mucus होता है उसका काम क्या होता है हमारे स्टमक को protect करना किससे? Acid से. So यहाँ पे food पे act कौन करता है? Basically 2 जैसे कि आपका हो गया hydrochloric acid and digestive juices. So D part है आपका. The inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths called. जो हमारी small intestines होती हैं, उसमें क्या होते हैं? Small finger-like projections होती हैं, जो आपके food को क्या करती हैं? Absorb करने में help करती हैं. मतलब surface area को increase करती हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? Villi बोलते हैं. वो जो small finger-like projections होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? Villi बोलते हैं. Now moving on to the fifth part, amoeba digests its food in the vacuole. Okay, now moving on to the second question, that is true and false. So the first part is digestion of starch starts in the stomach. Jo starch ka digestion hai wo aapke stomach mein start hota hai. That is false because digestion of starch starts from your mouth. तो बी पार्ट है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद स्लाइवा. जो हमारी टंग है दैट हेल्प्स और स्लाइवा टू मिक्स विद फूड. या दैट इज वेरी ट्रू क्योंकि हमारी जो टंग है दैट हेल्प्स स्लाइवा टू मिक्स विद द फूड. देन आपका सी पार्ट है द गॉल ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर्स बाइल. जो हमारा गॉल ब्लैडर है दैट टेम्परेरली स्टोर्ड बाइल. जो बाइल होता है बाइल इज सिक्रेटेड बाय लीवर. लीवर की सिक्रेशन होती है बाइल एंड विच इज टेम्परली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. ओके सो इट इज ट्रू. द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वॉलोड फ्रूट स्वॉलोड ग्रास इन देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम. या दैट इज वेरी ट्रू. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड रूमिनेंट क्योंकि वो जो फूड है वो कहाँ पे स्टोर होता है? उनके रूमेन में स्टोर होता है. और फिर वो उसे जब वापस मुंह में लेके आते हैं तो वो जो फूड आपके उनके रूमेन में स्टोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं. तो उसे तो रूमिनेंट्स को हम कड च्यूइंग एनिमल्स भी बोलते हैं. ओके नाउ मूविंग ऑन टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन. फैट कंप्लीटली कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? स्टमक में? नहीं. माउथ में? नहीं. स्मॉल इंटेस्टाइन में? हो भी सकता है. लार्ज इंटेस्टाइन में तो आपको पता ही है कि अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. ओके सो मूविंग ऑन टू द बी पार्ट. वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द. जो वाटर होता है उसे अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कौन से ऑर्गन में? या दैट इज वेरी सिंपल की लार्ज इंटेस्टाइन में. क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें जो भी बचा हुआ वाटर होता है या फिर बचे हुए मिनरल्स हैं उन सब को क्या कर लेता है? लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मैच द फॉलोइंग. आपको दोनों कॉलम को मैच करना है. एक में आपके फूड कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, दूसरे में प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन के बाद ये कंपोनेंट्स किस में चेंज हो जाते हैं? तो सबसे पहला आपका आता है कार्बोहाइड्रेट. बताया था मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड इंटू शुगर. नाउ प्रोटीन. प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इंटू अमीनो एसिड्स. ओके नाउ लास्ट वी आर लेफ्ट विथ फैट.
fat gets converted into fatty acids plus glycerol. Okay, so now second part. Next question, that is our question number 9. Which part of the digestive canal is involved in? कि इनमें से कौन सा पार्ट आपके डाइजेस्टिव कनाल के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं लाइक योर माउथ योर स्टमक योर इसोफेगस योर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव कनाल. सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज और कहाँ पे होती है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था. ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन. आपको बताया था मैंने एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन दोनों कहाँ पे होते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं. Chewing of food takes place in our mouth. Yes. Killing of bacteria, obviously killing of bacteria takes place in our stomach, क्योंकि वहाँ पर ही क्या hydrochloric acid release होता है जो हमारे food में आने वाले germs को kill करता है. Then fourth part है complete digestion of food. Yeah, digestion, complete digestion of food takes place in small intestine. And then formation of feces takes place in your large intestine. Okay, now I am left with the last question, that is question number 11th. That is, आपको इसमें columns को match करना है. तो देखिए, salivary gland क्या करता है आपका? Obviously, salivary gland secretes your saliva. Stomach releases your acid. So it will be your B part. लीवर क्या करता है, अभी बताया था मैंने आपको. लीवर सीक्रेट करता है आपका बाइल जूस. रेक्टम में क्या होता है आपका? स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड जो भी है वो रेक्टम में स्टोर होता है. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जाता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन? एब्जॉर्प्शन ऑन फूड. And release of feces takes place through anus. Okay, so this is all with my video. And आपको बताया था मैंने अभी कि जो question answers हैं मैं आपको दूसरे videos में दूंगी. और तब तक के लिए आप इसे पढ़िए अच्छे से. और जो भी अगर आपको doubt है कोई भी तो आप मुझे मेरे comment section में पूछ सकते हैं. Okay, thank you for watching.